Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare 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 Krishna. जिस प्रकार से श्री गौरंग महाप्रभु ने अनेक रूपों का प्रदर्शन किया निमा, निमाई पंडित श्री गौरंग महाप्रभु शचीनंदन के रूप में उन्होंने नवद्वीप में बहुत कीर्तन किया लेकिन एक समय के बाद उन्होंने सन्यास लिया और जब सन्यास ले लिया तो सन्यास लेने के बाद तो पहले गृहस्थ थे लक्ष्मी प्रिया से विवाह किया लेकिन उनकी पहली पत्नी का निधन हो गया वो उन्होंने शरीर छोड़ दिया वो शरीर वो जगत को छोड़ने के बाद उनका विवाह हुआ विष्णुप्रिया से लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने सन्यास लिया उनकी सन्यास कथा अलग से करेंगे लेकिन सन्यास लेने के बाद वो सीधा गए जगन्नाथपुरी बीच में तो कुछ समय के लिए शांतिपुर वगैरह गए लेकिन बाद में जगन्नाथपुरी गए उनकी माँ की उनकी माता की विनंती पे और जैसे ही जगन्नाथ भगवान के मंदिर में पहुंचे इतने भाव विभोर इतने आनंद में थे भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए वही श्री कृष्ण है वही जगन्नाथ है लेकिन वही श्री कृष्ण वही जगन्नाथ श्री गौरांग महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं, एक भक्त के रूप में और भक्त को भगवान के दर्शन के लिए कैसे आतुर होना चाहिए भागते हुए गए और जब भी जगन्नाथ भगवान के दर्शन किए और उनके नजदीक जा रहे थे बोलते आधे रास्ते में ही भाव विभोर होके गिर गए इतने प्रेम में थे वो प्रेम का इतना प्रभाव था उनके शरीर में कि वो शरीर चल भी नहीं कहा वहीं पे अचेत तो हो गया तो उन दिनों में पूरे भारत के सबसे बड़े पंडित सार्वभौम भट्टाचार्य उस समय जगन्नाथपुरी में थे और वो राजा के सबसे प्रमुख मंत्री थे ब्राह्मण थे और बहुत बड़े विद्वान भी थे उन्होंने जब देखा कि ये सन्यासी हैं और ये सन्यासी हैं बहुत ही युवा अवस्था में है कोई बहुत उम्र नहीं हुई उनकी छोटी उम्र में सन्यासी है, इतना शरीर से तेज है और उनके शरीर में वो सब लक्षण हैं जो अध्यात्म की परम अवस्था में प्राप्त किए जाते हैं जो भगवान के प्रेम की परम अवस्था में प्राप्त किए जाते बड़े आश्चर्यचकित हुए तो बाद में जब चैतन्य महाप्रभु होश में आया और उनका सार्वभौमा भट्टाचार्य से मिलना हुआ तो सार्वभौमा बोले कि आप सन्यासी हैं लेकिन आपकी उम्र बहुत कम है आपको तो शास्त्र अच्छे से पढ़ने चाहिए आपके वैराग्य को वैराग्य की कुशलता के लिए आपको तो शास्त्र बहुत ही उचित तरीके से पढ़ लेने चाहिए सार्वभौम भट्टाचार्य ने ये ना जानते हुए कि ये भगवान है उनको सात दिन के लिए बिठा के वेदांत का अच्छे से ज्ञान दिया श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि उस समय सन्यासी बन चुके थे वो एक क्षण के लिए भी अपना मुख नहीं खोले और बोल सुनते रहे सुनते रहे सात दिन के बाद सार्वभौम भट्टाचार्य ने पूछा कि अरे आप इतना सुन रहे हैं आप क्या समझ रहे हैं कुछ समझ में आ रहा है आपको आपने एक क्षण के लिए भी कुछ बोले नहीं श्री चैतन्य महाप्रभु बड़े नम्र स्वभाव से बोले ये सार्वभूम भट्टाचार्य जिनका बृहस्पति जैसा ज्ञान है उनको बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु कि आपने तो समझाने की कोशिश करी लेकिन शास्त्र में जो ज्ञान स्पष्ट है ऐसे लग रहा था आपकी वाणी से आपकी कथा से वो शास्त्र के कथन को आपने ढक दिया है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मीनिंग देके आपने उसको ढक दिया है और सही मतलब नहीं दे रहे हैं आपका तो ज्ञान ऐसा है जैसे सूरज को बादल से ढक देना सूरज है लेकिन बादल हमारी आंख को ढक देते हैं आपका ज्ञान ने आपके शास्त्र के जो तरीका है समझाने का उसने असली मतलब को ढक दिया है तो सार्वभौमा भट्टाचार्य बोले आप ही बताइए क्या मतलब है और बड़े ही सुंदरता से श्री चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य के एक एक पॉइंट को लेकर इतना सुंदर विश्लेषण किया इतना सुंदर समझाया कि कैसे भगवान के दिव्य नाम रूप गुण लीला है परत पर भ्रमण जो है वो निराकार नहीं है निर्गुण नहीं है वो अकार है सगुण है और उनके दिव्य नाम लीला गुण है और जिस एक श्लोक था आत्मा मुनयो उसका सार्वजन भट्टाचार्य ने कम से कम नौ मीनिंग दिया था और चैतन्य महाप्रभु ने उनका अठारह मीनिंग दिया बहुत सुंदर से तो, और वो सुन के सार्वभौम भट्टाचार्य इतने प्रसन्नचित हुए बोलते हैं नम्रता से पूर्ण रूप से शरणागत हो गए और चैतन्य महाप्रभु के चरणों में समर्पण कर दिया और जैसे ही समर्पण किया भगवान उनसे इतने प्रसन्न हो गए उनकी नम्रता से और उनके समर्पण से कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको नारायण रूप चतुर्भुज नारायण रूप दिखाया और बाद में द्विभुजा सौम्य श्याम सुंदर रूप दिखाया और जब ये सुंदर रूप सार्वभौम भट्टाचार्य को दर्शन दिया तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने बहुत संतुष्ट होकर भगवान की प्रार्थना में स्तुति में एक बहुत सुंदर श्लोक बोला वैराग्य विद्या निज भक्ति योग कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपा भुधी अहम प्रपद्य और इस प्रकार से स्तुति करी श्री चैतन्य महाप्रभु की श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हरे कृष्ण